आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ आज हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी धन्यवाद। डॉक्टर चैतन्य साह जी फोन आने शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं किस श्रोता का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर जी नमस्कार, मैं रायण से मुन्नू शर्मा बोल रहा था। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य साह हैं। हाँ सर जी। हाँ सर जी। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हाँ सर जी नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ सर जी, हम कह रहे थे कि हमारी उम्र 45 साल की है जी, और हम देखते हैं कि जैसे कि पेशाब करते हैं, पेशाब करने के अंत में शरीर कांप जाता है हमारे। अच्छा, पेशाब का रंग कैसा, सफेद होता, पीला होता है? नहीं नहीं, पेशाब तो सर नॉर्मल होता है, जैसे होता है जैसे पेशाब रहते हैं वैसे ही होता है। अच्छा, पेशाब में कोई जलन, कोई दर्द वगैरह आपको? नहीं सर, नहीं नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पेशाब खुल के धार से होती है आपको? जी जी। ठीक है, एक बार अपने पेशाब की सारी जांच करवा लें, क्योंकि कोई क्या होता है कि प्रोटीन वगैरह जाता है पेशाब में, उससे कमजोरी वगैरह भी महसूस होती है जी। तो एक बार एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन आरएम जिसे कहते हैं, वो एक बार करवा के दिखा लें। जी सर। ठीक है ठीक है सर जी, नमस्कार। ठीक है, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैतन्य साह, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सर अनिल कुमार गुप्ता गौंड, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया। जी डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी 65 साल उम्र है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का अभिनंदन है और सादर प्रणाम। जी नमस्ते नमस्ते, बताएं। ऐसा है सर कि मेरा प्रोस्टेट 2017 में जी मैंने चेक कराया था, एक विशेषज्ञ हैं जी, तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दूसरी जगह दिखाया तो वो बोले कि नहीं, आपको हम दवाई दे रहे हैं, जिंदगी भर खाइए, आपको पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी ठीक है। फिर एक डॉक्टर को दिखाया और फिर मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ा। अच्छा। तो उस समय एक डॉक्टर साहब थे उस सर्जन, तो उन्होंने मुझे दवाई आयुर्वेद वाली। जी जी। तो मैंने तो अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया, पेशाब करने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। जी जी। और अल्ट्रासाउंड में साइज 48 है, मतलब पेशाब करने के बाद पेशाब जो है वो लगभग 40-50 ml रुकता है। देखिए आपका जो प्रोस्टेट है वो करीब दूसरे तीसरे ग्रेड में आ गया है। जी जी। प्रोस्टेट की नॉर्मल जो साइज होती है करीब 20 से 22 ग्राम होना चाहिए, आपका 48 है करीब। तो देखिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम इसको दवा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेशन की इस समय कोई जरूरत नहीं है जी। आपको दिन भर में पानी कम पीना है, मतलब दिन भर में 1 से 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है सब कुछ मिलाकर। अच्छा, मतलब पानी कम पीना है। हाँ, क्योंकि 50 के बाद सभी पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या होती है, किसी को 50 में होती है, किसी को 60 में होती है। तो सबसे बड़ा उपाय है कि पानी पीना कम कर दीजिए। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, और शाम को खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पीजिए, तो उठ उठ के पानी नहीं पीना है। अच्छा, जाड़ा भी आ रहा है, ऐसे भी पेशाब की मात्रा बढ़ी जाती है शाम रात को। नहीं तो रात में पेशाब करके जब सोता हूँ तो फिर सुबह ही मैं मॉर्निंग में ही जाता हूँ। नहीं तो वो अच्छी बात है कि रात को आपको उठना नहीं पड़ा प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में। दूसरी बात है कि आप अपना एक रूटीन PSA होता है जो प्रोस्टेट के टेस्ट करते हैं ब्लड से, वो चेक करा लीजिएगा। PSA? हाँ PSA जी। ठीक है, और एक बार कहीं हॉस्पिटल में अपना पेशाब की धार जरूर चेक करवा लें कि धार का फ्लो कैसा है। जी जी, फोर्स जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल आदमी पेशाब जब पड़ता है तो करीब 20 से 22 ml पेशाब अंदर रहती है, आपको करीब 45 ml पेशाब अंदर रुक रही है, तो पेशाब ज्यादा रुक रही है। अच्छा, एक चीज और है सर कि जैसे मैं जब बैठ के यूरिन करता हूँ तो रुक रुक के होता है, मतलब थोड़ा रुक रुक के पेशाब होता है, और जब वही खड़े होकर करता हूँ तो एक बार में हो जाता है, मतलब कि लगता है कि क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, किसी किसी को बैठ के पेशाब साफ होती, किसी को खड़े को होती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है कि दवा आजीवन चलती है, उसकी दवा से कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये दवा से कंट्रोल नहीं होता तब आखिरी उपाय ऑपरेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं राजू श्रीवास्तव बाबतपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ आज यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैतन्य साह, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते, बताएं। मुझे प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, मेरा प्रोस्टेट जो है 25 से 28 हो गया इधर। अच्छा जी। लेकिन इसमें पेशाब का कंट्रोलिंग थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा। पेशाब बहुत देर तक हम रोक नहीं पाते हैं। अच्छा, पेशाब लगती है कि आपको दौड़ना पड़ता होगा? हाँ, मैंने थोड़ा सा ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। आपका प्रोस्टेट करीब 25-28 ग्राम है, तो इस समय शुरुआती दौर में ही है आपका? अब नहीं, असल में था तो मेरा 45 तक हो गया था। हाँ हाँ। लेकिन BHU में पिछले साल करवाए थे तो 25 हो गया था। जी जी। लेकिन इधर भी 3-4 महीना पहले करवाए हैं अपना प्राइवेट में, तो वो 28 बताया। कोई दिक्कत नहीं है, ये दवा से कंट्रोल हो जाएगा, इसमें इस समय सर्जरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। कम कर दें? पानी की मात्रा जो है कम कर दीजिए, क्योंकि पेशाब बार बार लग रही, खुल के नहीं हो रही है।
छात खुल के होती है डॉक्टर, वो जो हमने दवा वहाँ से मिला था वो दवा हम लेते थे, एक दवा उसी का सब्स्टिट्यूट लिए हैं प्रधानमंत्री ये ना 0.4 mg का है वही लेते हैं रोज रात रात में, जो कंट्रोलिंग है लग जाती है तो जल्दी से जाना पड़ता है। हाँ तो वो थोड़ा तो नहीं लगता है। हाँ तो वो थोड़ा पेशाब इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, पेशाब अगर पेशाब अंदर इकट्ठा होगी पूरी नहीं होगी उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो एक बार पेशाब की धार चेक करवा लें और एक बार यूरिन टेस्ट करवा लें अपना। यूरिन टेस्ट में क्या टेस्ट करवाएं? यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हम लोग करते हैं जिसमें देखते हैं पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, संक्रमण तो नहीं है। जो दवा जो खा रहे हैं वो रेगुलर खाते हैं? वो खाते रहिए, एक बार दोबारा एक बार दिखा लीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ चेतगंज वाराणसी से सुनील राय बोल रहा हूँ। हाँ सुनील राय जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर चैतन्य साह से बात कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले दीपावली कार्तिक मास के सारे पर्व की अपार शुभकामनाएं। जी आपको बहुत कुछ शुभकामनाएं त्योहार की, बताएं। हाँ सर, ये मेरी उम्र 60 वर्ष है। जी जी। वो पेशाब में जो है सर ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चीटा उठा लगता है पेशाब करने के बाद, और इसके साथ साथ कभी कभी जलन भी होती है, और उसके ये जो है दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए आपकी उम्र करीब 60 वर्ष की हो गई है, तो इस उम्र में प्रोस्टेट की समस्या होती है। जी जी। तो इसलिए एक तो अपना रूटीन अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। जी। और दूसरा जो चीटी लग रही है पेशाब में, आपका हो सकता है आपका शुगर बढ़ा हो इस वजह से पेशाब में चीटी लग रही हो। नहीं सर, इधर हमने चेक कराया था मात्र 10 दिन पहले, तो हमारा जो है फास्टिंग ब्लड शुगर पीपी वगैरह सब नॉर्मल था, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था हमारा, कोई बात नहीं। और दूसरा चीज हो सकता है कि पेशाब में कभी कभी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी चीटियां लगती हैं। जी जी। तो एक बार अपने रूटीन एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट जो है प्रोटीन की मात्रा कितना शरीर में वो चेक करा लें, और जो है आप जो है अपना एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करा लें। जी जी। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं, और खाने में परहेज जरूरी है। जी जी। जैसे कि छाछ है, दही है, पनीर हो गई, ये सब हम लोग मना करते हैं, कम कहते खाने के लिए। अच्छा अच्छा। जी, और इसकी दवा चलती है, 1-2 महीने में दवा से कंट्रोल हो जाता है। जी जी, अच्छा प्रणाम सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो जी सर, आजमगढ़ से मैं बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश सिंह सर। हाँ वेद प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आरोग्यम में। डॉक्टर चैतन्य साह हैं, यूरोलॉजिस्ट, बात कीजिए। अरे जी सर, इसकी मांग हमने आपसे बहुत पहले किया था, आपने पूरी कर दिया, हमको तो बड़ी प्रसन्नता है। चलिए बहुत धन्यवाद, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते, बताएं। सर ऐसा है कि 31 मई 2020 को हमारी पेशाब रुक गई, और उसके पहले हम 3-4 महीने से दवा ले रहे थे, रुकने के बाद हमने तुरंत 1 घंटे के भीतर ही यूरो बैग लगवा लिया अपने लोकल डॉक्टर से, लोकल मार्केट में जा करके सर। जी जी। दूसरे दिन डॉक्टर जी जी क्या, हमने पांडेपुर में पहुंच गया, डॉक्टर हमारा इलाज शुरू कर दिया, और हमारा एग्जामिन करने के बाद हमको 15 दिन गर्म पानी में बैठने के लिए उन्होंने राय दिया कि 15 दिन गर्म पानी में बैठिए आप, और दवा चलाए, दवा से हमको लाभ हुआ। 15 दिन के बाद हमारा फिर यूरो बैग निकाल दिए, पेशाब हमारी चालू हो गई सर। जी जी। और दवा कई क्रम में चला रहे थे, 3-4 दवा चला रहे थे, 4-5 दवा। इसके बाद हमको वहाँ पर हमारा डॉक्टर ने जो है अल्ट्रासाउंड कराया। जी। जब उस समय गए थे तो हमारा प्रोस्टेट की साइज जो थी सर 72 cc थी। जी जी। इस दफा 62 लिखा था उस पर। अच्छा। तो और सर हमको हार्ट अटैक भी आ गया, इसके बाद इसी मई में मई 21 में शुगर लेवल भी हमारा बढ़ गया, कई दिक्कतों में हम फंस गए। तो अभी जो हम उनके यहाँ गए थे यूरोलॉजिस्ट के यहाँ, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप जीवन भर दवा खाइए, पेशाब हमारी बहुत बढ़िया बहुत धार से चल रही है। अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम सर नहीं है। जी जी। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि अब आपको दवा आजीवन खानी है, एक साल बाद हमारे यहाँ आइएगा। जी। तो हमने कहा कि साहब हमारा अल्ट्रासाउंड आप देखे नहीं, कहना आपको बता दें, हम कहीं बता दीजिए, मुझे कोई भय नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा कि दोनों गुर्दे में 3-3 mm की पत्थरियाँ हैं। अच्छा। तो कहा कि साहब वो 3 mm की पत्थरी है तो दो पत्थरियाँ पेशाब के रूप से निकल जाती है। जी जी। आप पानी पीते रहिए, उससे लाभ मिल सकता है, निकल भी सकती है। तो यही है सर हमको आपको पूछना है। जी। आप ये बतावे कि अब क्या ऑपरेशन का विषय समाप्त हो गया, हार्ट और शुगर में गिरे हैं, और शुगर का लेवल हमारा इस समय
90 और 130 है, नीचे 90 ऊपर 130, शुगर का लेवल तो एकदम नॉर्मल है। अभी मुझसे 4-5 महीने की बात है, तो हमको बताइए कि प्रोस्टेट ऑपरेशन का समाप्त हो गया है हमारा। बात यह है कि देखिए आपको शुगर भी है और हार्ट के पेशेंट भी हैं आप, तो इसमें ये देखना होता है कि अगर माली सर्जरी अगर करना है तो इसमें कम से कम हार्ट का फंक्शन 55-60% होना चाहिए ऑपरेशन के लिए। अगर हार्ट फंक्शन 55 से कम है तब तो सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। उस केस में हम लोग प्रोस्टेट की दवा चलाते हैं और हर साल में एक बार जो है जो हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं, तो इसके लिए प्रोस्टेट के लिए दवा खानी पड़ती है, हमेशा आजीवन खानी पड़ती है अगर ऑपरेशन संभव नहीं है तो। अच्छा, और अपना जो है दवा लेते रहिए और पेशाब में आराम है तो अच्छी बात है, और अपना साल में एक बार अल्ट्रासाउंड और पेशाब की धार चेक करा लिया करिए। नहीं तो पेशाब का फ्लो तो उन्होंने चेक किया था, इस दफा भी अक्टूबर में भी चेक किया था, पेशाब का फ्लो अच्छा रहा। हाँ हाँ, और हमारा पेशाब तो ठीक है चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा ये है कि पेशाब माई जब सुचारू रूप से चल रही तो अब हम जैसा होगा वैसा होगा, अगर पेशाब रुक जाती है तब तो फिर हमको ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा सर। देखिए ऑपरेशन की जरूरत तब पड़ती है जब दवा काम न करे और पेशाब की दिक्कत बढ़े। आपको अभी पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, दवा सारा में दवा चलने दीजिए, ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको शुगर और हार्ट दोनों है आपको। जी सर। और आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस पर ऑपरेशन में समय लगेगा करने में, दूरबीन से ऑपरेशन होता है समय लगता है इसमें, और मान लीजिए हार्ट कमजोर होगा तो ऑपरेशन में रिस्क बढ़ जाएगा। जी सर। इसे जब तक दवा से काम चल रहा है दवा काम चलाइए, जब ऑपरेशन एकदम लास्ट ऑप्शन रखते हैं जब दवा काम न करे तब। जी सर। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 mm तक की पत्थरियां दवा से गल जाती है उसके लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। कुल्थी की दाल आती है उसका पानी छान के पिया करिए सुबह शाम। अच्छा ठीक है। और पानी ज्यादा पिएगा, खाने में परहेज थोड़ा करना होता है, जैसे कि ये नॉनवेज नहीं खाना है, टमाटर अगर बीज हटाए खानी है, अनार का रस उसका बीज हटा के खाना है, काजू है, कच्ची गोभी, ये सब चीज नहीं खानी होती है। क्या मछली भी नहीं खा सकते हैं? मछली खाइए मगर कम खाइए, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अच्छा सर जी। छाछ दही पनीर कम खाना है। जी जी सर। चलिए बहुत धन्यवाद। जी सर प्रणाम सर। हमें लगता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। सर हम बहुत खुश है कि हमारी मांग पूरी आपने कर दिया। चलिए बहुत धन्यवाद, आप खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है जी सर, आपसे हमने मांग किया था कि सारे वृद्ध लोग परेशान रहते हैं, सबकी परेशानी दूर हो जाए, इस आरोग्यम के जरिए हम यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, वृद्धों का रोग है, 65 वर्ष हमारी उम्र है। जी 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 जी, ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। सर नमस्कार। सुप्रभातम। सुप्रभातम, कौन बोल रहे हैं? शिवपुर से असगर अली। असगर पुराना पेशेंट। असगर अली जी, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं, यूरोलॉजिस्ट। पूछिए क्या पूछना है आपको? सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद दूं, उसके बाद मैं अपने प्यारे प्यारे डॉक्टर चैतन्य शाह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं कि पहली बार आकाशवाणी पर आपने पदार्पण किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार आपको। बराबर याद करते हैं आपको। जी जी। और आप दोबारा मिसिस को एक बार दवा दिया है। जी जी। और दोबारा जो है तो उसकी दवा में ऐसी ठीक हो गई कि पूछे मत। चलिए बहुत अच्छी बात, अब ठीक हो गए। और जब उन्होंने कहा है आपको बोलने के लिए कि वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ही पानी पीते हैं, जैसा कि आपने कहा था। जी जी। थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं और जितना आपने डोज दिया था वो खाया, तो उनको बहुत काफी आराम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी की बात है, मतलब एक बार में आपके पिताजी ने भी हमको ठीक किया था और इसी बार में आपने मेरी पत्नी को भी ठीक कर दिया। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है हमको, जब लगा कि आप आ रहे हैं कार्यक्रम में तो बड़ा खुशी हुआ, हमको भी ठीक है जी जी। आपकी दवा से जी जी। और हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा तरक्की करते जाए, पिताजी की तरह नाम ऊंचा कमाए खूब, ये हमारा आशीर्वाद है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश है। और अपने बड़े भाई को भी मैं आशीर्वाद दूंगा कि वो हमेशा इसी तरह अच्छे अच्छे डॉक्टरों को इस कार्यक्रम में पेश करते जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ रहे और इस जीवन का आनंद लें जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हम चिरकुट शर्मा शिवकर कला चंदौनी से बोल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर चैतन्य शाह हमारे साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट, आपको पूछना है कुछ? पूछिए। सर यही बात है कि जैसे लाद में गैस बनता है, गैस बनने के बाद हम सवेरे सुबह में एक कैप्सूल लेते हैं
खाली पे। जी जी। सांप को इतना लाद हुआ टाइट हो जाता है। अच्छा। और जब सांप को खाना खाते हैं, मतलब कम खाते हैं, ज्यादा तो नहीं खाते हैं, दो चार रोटी खाते हैं। जी जी। तो अगर चीत सुतते हैं तो ठीक रहता है। अच्छा। अगर करवट होते हैं इस साइड चाहे इस साइड, जी, तो खनवा बुझाता है कि बाहर चला आता है। देखिए, जो आपको जो परेशानी हो रही है गैस की, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी पित्त की थैलियां पथरी हो, मतलब टेस्ट कराए थे, हाँ हाँ, तो उसमें लीवर का सूजन मिला था, तो उसका दवाई किए थे, पंचतत्व इंजेक्शन लगाए थे, टैबलेट वेबलेट खाए थे, तो ठीक। हाँ, तो आपको पेट में आपका भी को क्या होता है कि हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार गैस बनती है। हाँ। तो एक बार लीवर फंक्शन, लीवर की ब्लड से जांच कराना जरूरी है, उसके लिए कुछ दवाएं चलती हैं, उससे ठीक हो जाएगा ये। और खाने में परहेज बहुत जरूरी है। हाँ, तो सर परहेज क्या करना होगा? जैसे कि मिर्च मसाला घी तेल कम से कम खाना है। हाँ। मांस का सेवन करते तो उसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। बहुत तला भुना सामान है, तेल वाला सामान नहीं खाना अभी आपको। अच्छा, गाय का दूध जो है, हाँ, वो शाम को एक टाइम लेते हैं, दिक्कत तो नहीं ना है? उसकी मलाई उतार के तब पिया करिए। हाँ, मलाई उतार के थोड़ा सा पानी मिला के उसको। हाँ, और गिलास पी। हाँ। और बहुत ज्यादा गर्म सामान नहीं खाना है, कि बहुत गर्म खाना खा रहे हैं, बहुत गर्म चाय पी रहे हैं, उससे भी बहुत गैस बनती है। चाय से भी गैस बनती है? बहुत गर्म चाय, थोड़ा तो केवल सुबह में लेते हैं थोड़ा सा चाय सर, है ना? हाँ, थोड़ा दवाई खाते हैं। हाँ। थोड़ा ठंडा करके पिया करिए, सुबह शाम टहला करिए खूब। हाँ, टहलते हैं सर, 2.5 किलोमीटर जाते हैं और 2.5 किलोमीटर आते हैं। बहुत बढ़िया, टहलिए, खाने में परहेज करिए, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे आप। 9:40 में हम निकल जाते हैं, और मतलब हम लोग को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वापस आते हैं घूम फिर के। नहीं, ठीक है, अच्छी बात, टहलना बहुत जरूरी है, और साथ में खाने का परहेज भी बहुत जरूरी है। कभी कभी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, हाथों में सूजन हो जाती है, उसकी वजह से गैस बहुत बनती है। एक बार फिर होगा तो एक बार फिर दिखा लीजिएगा डॉक्टर को, ठीक है? पेट के डॉक्टर ने, थोड़ा इन्फेक्शन होगा तो दवा से कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप बना सके डॉक्टर को दिखा लीजिए, हमें दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे आपको। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, आरोग्य कार्यक्रम से? जी, आरोग्य में स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम दुर्गा प्रसाद हुकुलगंज से बोल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर चैतन्य साह से बात कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। हमको शुगर है जी, जिसकी वजह से पेशाब में हमारे झाग बन रहा है। जी जी। और पैर गद्दी की तरह लगता है। अच्छा, देखिए, आपका पहले तो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो। जी। दूसरा चीज कि आपको पानी की मात्रा कम कर दीजिए पीना, ठीक है? क्योंकि शुगर बढ़ा रहेगा तो पेशाब ज्यादा बार बार पेशाब होगी। अच्छा, तो दूसरा जी, पानी कम कर दी, उम्र के हिसाब से दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। दूसरा कि खाने में थोड़ा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि पैर अगर में सूजन है तो हो सकता है पेशाब में प्रोटीन जा रहा हो। प्रोटीन बढ़ाएं? हाँ, थोड़ा सा। जांच के लिए क्या करना होगा पैथोलॉजी में? एक शुगर टेस्ट कराना होगा, और आपका एक यूरिन की जांच, रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, यूरिन आरएम बोलते हैं। यूरिन आरएम, रूटीन माइक्रोस्कोपी। अच्छा। और एक लीवर की जांच होती है ब्लड से, LFT से बोलते हैं, लीवर प्रोफाइल। लीवर की? हाँ, लीवर प्रोफाइल होता है पूरा, उसमें पूरा प्रोटीन कितना शरीर में सब चेक हो जाता है ब्लड से। अच्छा, तो वो अल्ट्रासाउंड से होगा कि पेशाब से? नहीं, वो आप एक पेशाब की जांच करानी है, सादी जांच, एक लीवर की खून से जांच करानी है, और एक अल्ट्रासाउंड भी हो सके तो वो भी करवा लीजिएगा। और बस इतना करा लें तो, चेक कराना बहुत जरूरी है इसको, उसी हिसाब से दवा चलेगी आपकी। इसकी कोई दवा, मतलब जांच करने के बाद दवा बताएंगे आप? जी बिल्कुल, आप जांच कराएं, रिपोर्ट जैसी रहेगी उसके आधार पर दवा दी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रणाम गुरु, प्रणाम। हाँ, डॉक्टर बोल रहा हूँ, आजमगढ़ जिले से, पिपरौला गांव से। जी जी जी, डॉक्टर चैतन्य साह जी से पूछिए, क्या पूछना है आपको? शाह जी को दीजिए प्रणाम। शाह जी। हाँ नमस्ते, बताएं। ऐसा है कि क्या खाएं क्या न खाएं कि मूत्र रोग, गुर्दा का रोग न हो? देखिए, गुर्दे में ज्यादातर पथरी की परेशानी होती है, तो पथरी ना बने उसके लिए आपको मांस मछली का सेवन कम करना है, छाछ दही पनीर कम खाना है। अच्छा अच्छा जी। उम्र अगर 50 से ज्यादा हो तो पानी की मात्रा कम करनी होती है। पानी तो 2-3 लीटर ले लेता हूँ। नहीं, ठीक है, अगर पेशाब में खुल के धार से हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर वगैरह खाइए तो उसका बीज निकाल के खाइए, पालक बैगन चुराई कम खाना है, काजू कम खाना है, ठीक है? यही सब परहेज करना हो, जिससे पथरी अगर न बने आपको। टमाटर का गुदा में जो बिया होता है निकाल के खाना चाहिए? हाँ, उसकी बीज से पथरी बनती है, इसलिए टमाटर के बिया निकाल के कहते खाने के लिए। ये परिवार में बहुत होता है। हाँ, नहीं, पालक का भी कम खाना चाहिए। पालक बेकन चुराई थोड़ा कम खाइए, खाने में बहुत ज्यादा मत खाइए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम।
हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? जी सर नमस्कार, मैं जिला मिर्जापुर मोहल्ला पट्टी कला हरा नगर से बोल रही हूँ, चंदा देवी। अच्छा, डॉक्टर चैतन्य शाह हमारे साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट। आपको पूछना है कुछ? जी सर, मैं अपने विषय जानना चाहती हूँ। हाँ पूछिए पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मुझे बहुत दिनों से परेशानी है, कम से कम 2-3 वर्ष सर। जी जी। प्रॉब्लम है हमारे, और हमको समस्या है कि मूत्र संबंधित जानकारी हम आपसे चाहते हैं। बाथरूम के समय हमें बहुत परेशानी होती है सर। अच्छा। बाथरूम हमें बहुत बार बार आती है, और मेरे बाएं तरफ जो है कि थोड़ा सा नाभि के ऊपर हल्का सा सूजन भी हो गया है। जी जी। और सर मैं इसका इलाज भी फारसी में कभी चौरा कर चुकी हूँ। जी जी। और उसके बाद कौड़िया अस्पताल है, वहाँ भी इलाज इसका कर चुकी हूँ। जी जी। लेकिन सर मुझे आराम तो कौड़िया अस्पताल से थोड़ा मिल रहा था। जी जी। लेकिन जब मैं वाराणसी में एडमिट हुई तो वहाँ पर हमें यही बताया गया कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, और उसी को जरूर सूजन आया है, किडनी समेत कुछ प्रॉब्लम, टीली उड़ी बढ़ गई थी किडनी में। जी जी। यही सब परेशानियाँ आप वहाँ बताए थे हमको। आपको जैसे पेशाब लगती था, रोक लेते हैं कि दौड़ना पड़ता पेशाब करने? नहीं सर, पेशाब को रोकती नहीं हूँ, बस बार बार पेशाब आता है और खुल के अच्छे से पेशाब होता नहीं है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, दूसरा है कि कभी कभी जो है बच्चा अगर पैदा होने से पेशाब रास्ता सिकुड़ जाता है, तो पेशाब खुल के धार से नहीं होती। अच्छा। तो उस केस में एक हम लोग एक पेशाब की सादी जांच करते हैं, एक दूरबीन से जांच करके देखते हैं कि पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, या पेशाब का रास्ता सिकुड़ तो नहीं गया है। लेकिन सर बच्चा तो हमें कम से कम 10 वर्ष हो गया, बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे हैं सर। जी जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराया है। अच्छा। और कोई बचाव भी मैं नहीं करती हूँ। जी जी। तो अपना एक पेशाब की सादी जांच, यूरिन टेस्ट करवा के दिखा लें, हो सकता है पेशाब में इन्फेक्शन है, तो उससे दवा से ठीक हो जाए। सर मुझे हमेशा दर्द बना रहता है सर, बहुत ही परेशान रहती हूँ, कोई काम वगैरह उस तरफ से उठना बैठना, नहाने वहाने में बैठने में वो दबता है तो दर्द भी करता है सर। जी जी। तो ये पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो जिसमें सब दिक्कत हो रही है आपको? सर बस यही परेशान ज्यादा हो जाती हूँ कि बार बार पेशाब, और पेशाब एक बार में खुल के होता ही नहीं है। अच्छा। पेशाब होने के बाद फिर थोड़ा सा रुक करके थोड़ा सा फिर होगा, इसी तरह। हाँ नहीं तो ये जो दिक्कत हो रही है, दो चीज है, या तो पेशाब में इन्फेक्शन है, नहीं तो एक बार दूरबीन से डाल के देखना पड़ेगा पेशाब का रास्ता कि कहीं उसमें कोई सिकुड़न तो नहीं है। तो सर इसके लिए मैं पहले यूरिन की जांच कराऊं? हाँ बस करा के दिखा लें। चलिए बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर चैतन्य शाह जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची है आपके माध्यम से, और बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न भी पूछे, बड़े विस्तार से प्रश्न आए और उतने ही विस्तार से उनके प्रश्नों का समाधान भी हुआ। हम आपकी पसंद का एक गाना इस कार्यक्रम में जरूर सुनवाना चाहेंगे। डॉक्टर चैतन्य शाह तबला भी बजाते हैं, ये हमें पता है, तबला भी हम आपका कभी सुनेंगे। वैसे बचपन में हम अपने श्रोताओं को बताएं कि जो अपना बच्चों का बालसंघ कार्यक्रम होता है उसमें डॉक्टर साहब आए हुए हैं, और उनका तबला हमारे श्रोताओं ने, बाल श्रोताओं ने सुना भी है। तो आज डॉक्टर साहब आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाना चाहेंगे, कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? आने वाला पल जो जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है, गोलमाल फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार का गाया हुआ, बहुत ही सुरीला और बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत है। हम अपने श्रोताओं तक ये गीत पहुंचाते हैं। आने वाला दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। डॉक्टर चैतन्य साहा को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। आप यूरोलॉजिस्ट हैं। अगले सप्ताह श्रोताओं एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार जी। नमस्कार।